हेलो प्रिय भक्तों, तो आपके बाबा फिर से प्रेजेंट हो चुके हैं आपका एकदम ब्यूटीफुल, सुंदर, शानदार, जानदार और मज़ेदार सा चैनल शशि कुमार 152 पर। और हम हैं आपके प्यारा से बाबा, प्यारे से टीचर और एकदम प्यारे से शिक्षक शशि कुमार। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है और आज है हमारा तीसरा लेक्चर। और आपको बता दें, यदि आपने हमारा दो लेक्चर नहीं देखा है तो ये इस वाले आई बटन पे जाइए और वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर हमारा देख सकते हैं वीडियो। नहीं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में नॉमनिक लेक्चर देखिए और उसमें आप देख सकते हैं हमारा 11th का दो टॉपिक ऑर्गेनिक का हो चुका है। आज है हमारा तीसरा लेक्चर। और सबसे बड़ी बात सर जी, बाबा ये तो आप भूल ही गए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बाबा का प्रवचन देखो। और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलो, क्योंकि जितना तुम कमेंट करोगे बाबा उतने खुश होंगे, और जितने बाबा खुश होंगे उतना लेक्चर लेके आएंगे। और साथ में हमारा 12th का सीरीज चल रहा है, जिसमें VVI क्वेश्चन के साथ साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो चुका है। तो जाइए ना हमारे चैनल पे शशि कुमार 152 पे। अब ये हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। सर जी, आप तो बोले थे जो नॉमनिक्लेचर मतलब नामकरण, नामकरण मतलब छठियार, और छठियार मतलब क्या? अरे छठियार किसी का होगा तो अभी शुरुआत थोड़ी ना कर देंगे, पहले देखेंगे ना जो फलनमा के हियाँ से जो कार्ड आया है तो चिलनमा का कौन सा जनवरी है कि फरवरी है कि मार्च है, मतलब कौन सा बटखारा पैदा लिया है, तो वो तो देखना ना पड़ेगा, तो पहले कैटेगरी में बांटना ना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कार्बनिक यौगिक को कैटेगरी में बांट रहे हैं। इसी को बोलते हैं क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। सर जी इतना सुंदर बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। और कमेंट तो आपका एकदम शानदार आता है, मज़ेदार आता है। तो ऐसे ही बाबा पे एकदम नज़र डाले रहिए, बाबा पे एकदम सेवा देते रहिए और बाबा को याद करते रहिए। सर जी ये कार्बनिक यौगिक जो होता है ना, वो कितने प्रकार का होता है? हाँ देखो, कार्बनिक यौगिक जो होता है ना, या तो तू खुला लिखेगा या तो बंद लिखेगा, या तो खुला लिखेगा या तो बंद लिखेगा। मतलब सर जी एगो हो गया ओपन, एगो हो गया क्लोज। सर जी घर भी तो हमारा दो ही तरह से हो सकता है, या तो खुला है दरवाजा, गाना सुना है क्या, कुंडी न खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा। मतलब सर जी क्या है, शुरू में बोलता है कुंडी न खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, मतलब क्या सर जी, गेट खुला हुआ है, ओपन चेन है, तो इसको बोलते हैं खुली, खुला हुआ था ना गेट, तो खुली श्रृंखला, गेट नहीं होगा यहाँ, क्या होगा, श्रृंखला होगा। इसी को एलिफेटिक भी बोलते हैं। और मान लो ये बंद नए है तो खुला हुआ ही ना है, चक्रीय नए है, चक्रीय नए है, ये चक्रीय है तो ये क्या हो जाएगा, अचक्रीय, मतलब ये अचक्रीय है। अब दूसरा क्या होता है, सीधा अंदर आओ राजा। सर जी एक और गाना है, हम तुम कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। सर जी कितना रोमांटिक हो रहे हैं आज, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है सर जी, है ना। तो देखो ये है बंद वाला, ये है खुला वाला। सर जी खुला नहीं होता, खुला हुआ होता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सर जी को सिखा दिया है। तो बंद श्रृंखला, इसी को बोलते हैं एरोमेटिक, इसी को बोलते हैं चक्रीय। क्या बोलते हैं, चक्रीय, मतलब क्या, या तो खुला होगा या तो बंद होगा, या तो चक्रीय होगा या तो अचक्रीय होगा, यानी खुला को अचक्रिय बोलते हैं और बंद को चक्रिय बोलते हैं। एक नाम और याद रखने का, खुला को एलिफेटिक बोलते हैं और बंद को एरोमेटिक बोलते हैं। समझ में आया? तो समझ में आया तो इधर ध्यान दो ने, आई देखो ये बंद श्रृंखला जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, एगो होता है सोम चक्रिय, एगो होता है विषम चक्रिय, मतलब इसमें समान होगा, इसमें अलग अलग होगा। अब सम चक्रिय का इंग्लिशवा का है,
सर जी इंग्लिश में तो लिखल है होमोसाइक्लिक, क्या होगा होमोसाइक्लिक सर जी, होमो का थी होता है, होमो होता है समान, आ हेटरो मतलब होता है अलग अलग, मतलब विषम चक्रीय। सर जी इसमें तो लिखबे नहीं किए, तो हाई देखो ये दो प्रकार का होता है, एगो होता है सेचुरेटेड, एगो होता है अनसेचुरेटेड, एगो क्या होता है अनसेचुरेटेड। सर जी एगो होता है सेचुरेटेड, एगो होता है अनसेचुरेटेड। सर जी हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, आप हमारा इंग्लिश में लिख देते हैं, तो हाई देखो, अरे हम है तो क्या गम है, इसको बोलते हैं सेचुरेटेड मतलब संतृप्त, इसको बोलते हैं असंतृप्त। सर जी तो हमको पहले से पता था, एगो होता है सेचुरेटेड, एगो होता है अनसेचुरेटेड, मतलब सर जी तृप्त हो गए, सर जी अभी तृप्त नहीं हुए हैं, असंतृप्त है। और संतृप्त वाला बोलते हैं अल्केन, क्या बोलते हैं अल्केन, और अल्केन का सूत्र क्या होता है सर जी CnH2n प्लस में टू, नहीं सर जी हिंदी में बोलिए ना, है CnH2n जोड़ दू, समझ में आया सर जी, इतना इतना झक्कास बात बोलते हैं, हमारा तो सीधे दिमागबे में क्लिक करता है, कोई बात नहीं होना भी यही चाहिए। अब सर जी असंतृप्त तो है, देखो बाबा बोले हैं समझाते वक्त लिखने का नहीं, लिखने के लिए समय मिलेगा नहीं अलग से, काहे डर रहा है। तो असंतृप्त कितने प्रकार के, सर जी दो प्रकार के, एगो होता है अल्कीन, एगो होता है अल्कीन, एगो होता है अल्काइन, एगो का होता है अल्काइन, सर जी ई का होता है तो CnH2n, एकर फार्मूला, फार्मूला बोर्ड एग्जामवा में पूछता है, चाहे दसवीं हो चाहे बारहवीं, हमने बोला था ना, चाहे जाओ दिल्ली मुंबई आगरा नहीं मिलेगा ऐसा केमिस्ट्री वाला। सर जी आप तो गजब हैं, कोई बात नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा सर जी CnH2n-2, समझ में आ रहा है, तकलीफ हो रहा है, झंझट हो रहा है, नहीं सर झंझट नहीं लेते हम, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको कुछ बोलते हैं, एक और नाम है अल्केन को बोलते हैं पैराफिन, क्या बोलते हैं पैराफिन, इसको बोलते हैं ओलिफेनिक, क्या बोलते हैं ओलिफेनिक, इसको बोलते हैं एसिटाइलिनिक, क्या बोलते हैं एसिटाइलिनिक। तो याद रखने का सर जी का बता दिया, हमारा तो बिल्कुल समझबे में ना ही आया, हम तो बचपने से कमजोर है, अरे बाबा के शरण में आया है कमजोरी तो ऐसे दूर हो जाएगा। सर जी रोड साइड में देखते हैं कमजोर वाले आकर मिले, नहीं 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 वो वाले डॉक्टर नहीं है झोला छाप, हम हैं केमिस्ट्री के डॉक्टर। तो याद रखना केमिस्ट्री से दुख पीड़ित एकदम चिंतन मंथन जो भी हो यहाँ दूर करने का। सर जी कार्बनिक यौगिक को दो पार्ट में बांटे, चक्रीय एलिफेटिक अचक्रीय, नहीं सर जी चक्रीय और अचक्रीय मिला दिए, खुली श्रृंखला एलिफेटिक और अचक्रीय, इधर देखो बंद श्रृंखला एरोमेटिक अचक्रीय होता है। अब ये सर जी अचक्रीय कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एगो सेचुरेटेड एगो अनसेचुरेटेड, एगो संतृप्त एगो असंतृप्त। अब सर जी का होता है तो ये देखो दो प्रकार का होता है बंद श्रृंखला वाला, एगो होमोसाइक्लिक एगो हेटरोसाइक्लिक। अब सर जी ई का होता है तो सेचुरेटेड अल्केन होता है, अनसेचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन होता है। सर जी ई अल्केन अल्कीन अल्काइन क्या होता है, तो सिंगल बॉन्ड हो तो अल्केन होता है, डबल बॉन्ड हो तो अल्कीन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइन होता है। अरे टेंशन नहीं ना लो बाबा, सब पढ़ाएंगे, बाबा को सब पता है जो बच्चा को का तकलीफ हो रहा है, समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लो, हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो बाबा का गुण गाने का, अब देखो हमारा अगला टॉपिक है
कार्बनिक यौगिक का पहचान अब हमको पहचानना पड़ेगा ना। रे फलनमा के बेटा था, अब फलनमा के कौन सा बेटा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सर जी 11वीं 12वीं? नहीं 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 नहीं, हमारी सरकार यानी हमारा सरकार बोलता है क्या, हम दो हमारे दो यानी दो बच्चे सबसे अच्छे। समझ में आया? सर जी हम तो क्रिकेट टीम बनाएंगे। कोई बात नहीं, हमको एम्पायर बना लेना। सर जी आप कैसे एम्पायर बनिएगा, आप तो टीचर हैं। नहीं हम मोहटर हैं। क्या है? मोहटर है सर जी, महीना भर टटराते रहते हैं। आप देखो इका है, कभी दुर्गा मेला घूमने गया होगा ना, तो एगो बउआ के शादी हुआ, एगो बउआ के शादी हुआ, एकदम खुश हो के कोट पैंट पहन के एकदम खुशहाल जिंदगी के साथ गया ससुराल। कहाँ गया? ससुराल। अरे पहला बार दुर्गा मेला देखने गया है, कुछ दिन में स्टार्ट होने वाला है, जकर जकर बियाह हुआ वो भी आ नहीं हुआ वो भी ससुराल जाना ने। अब बोलना, अब मान लो ये जो रोड था ससुराल गया, अब रोड से 2 फीट ऊपरे न रहता है नया नया ससुराल जाता है तो। अ सर जी ये जो गया ने तो मेला घूमने गया, अब मेला घूमने गया न तो बगल में कांति सर जी, बगल में एकदम बगल में देखो केस कितना मस्त है इसका, बगल में सर जी इसकी ना वो थी, बगल में वो थी। अब ये क्या है, इसने अपना हाथ दिया, इसने अपना हाथ दिया और बोला हो हाथों में हाथ और हो रहे जिंदगी भर तेरा साथ, मतलब छोड़ेंगे ना साथी मरते दम तक। अब क्या हुआ, ई जो गया था ना तो एगो पर एगो फ्री था, मतलब एगो अपनी वाली की बांति, मतलब सर जी हियाँ तो एक पे एक ऑफर है, मतलब एगो हाथ इधर पकड़ लेता, एगो हाथ इधर पकड़ लेता। अब देखो ई भी है ना रे, अब क्या हुआ सर जी, मेला घूम रहा था, टुक 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 कर रहा था, अब मेला घूम रहा था, मेला घूम के आया। सर जी मेला घुमा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, हम इसको माने कार्बन। क्या माने? कार्बन। हम इसको माने कार्बन। सर जी ये बीच वाला जो कार्बन है ना वो कत्ते के हाथ पकड़ ले है, तो सर जी एगो इधर आ एगो इधर, मतलब ये हो गया 2 डिग्री कार्बन। सर जी ई कतना के हाथ पकड़ ले, तो अभी तो एगो का पकड़ ले है तो ई 1 डिग्री कार्बन हो गया। ई कतना के हाथ पकड़ ले है तो इधरे ना खाली पकड़ ले है तो ई 1 डिग्री, एगो के पकड़ ले तो 1 डिग्री, दूगो के पकड़ ले तो 2 डिग्री। अब मान लो ई में ना एगो बटखारा और होता, दूगो एगो बटखारा ना इसके साथ घूमते रहता, सर पप्पा हम हूँ मेला जाएंगे, तो बटखारा भी इसके हाथ में था, मतलब अभी 1 डिग्री नहीं रहा, अब कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री। अब मान लो एगो बटखारा था वो पप्पा का साथ है नहीं छोड़ता था, अब सब फुल पेंट पकड़ के आज ससारिये देगा फुल पेंट मेलवा में, तो मेला में गया तो अब क्या हो गया सर जी, बीच वाला जो है ना वो एगो एकर हाथ पकड़ ले, एगो एकर पकड़ ले, एगो एकर पकड़ ले, सर जी हाथ तो दिए गो था, कोई बात नहीं, एगो हाथ में दूगो पकड़ ले था, तो अब सर जी ये दूगो नहीं पकड़ ले है, अब 3 गो पकड़ ले है तो 3 डिग्री हो गया। अगर मान ले 4 गो को पकड़ ले होता तब तो सर जी 4 डिग्री हो जाता, सर जी 5 गो को पकड़ ले होता तब तो याद करो ने कार्बन 4 गो बंड बनाता, कार्बन 4 गो बंड बनाता, आ कार्बन 4 गो बंड बनाता है तो 5वां के हाथ पकड़ेगा, ये कुचिए देगी, ए ज़्यादा इधर उधर करते हैं बहुत देख रहे हैं, चलिए घर पे ठुस्सा चलाएंगे। मतलब क्या हुआ सर जी, हमारा ये बात पता चल गया कि जब गाना गाएंगे हम जी नहीं सकते। सर जी गाना कौन सा है? अरे गाना था ना हो हाथों में हाथ लेके हो तेरा साथ। अरे सर जी गाना तो गजब गा रहे हैं, मतलब बताओ ना रे बचवा, अरे भक्तों बताओ ई कार्बन कैगो को टच कर रहा है? सर जी एगो के, तो ई हो गया 1 डिग्री। अरे सर जी ई कैगो को टच कर रहा है? तो एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, इधर की इधर, अरे एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, तो ये कई डिग्री हो गया? 3 डिग्री। सर जी हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अभी समझ में आएगा, ध्यान इधर देने का, मेला में सोचने का नहीं। मतलब ये सर जी कई डिग्री है? तो ये है 2 डिग्री। कैसे सर जी? ये तो एक गो से टिकल है। अच्छा अच्छा, गुरु जी से गलती हो गया। अरे गुरु जी कभी कभी उल्टा बोल देता है,
वन डिग्री है। सर जी ई बताइए तो, बहुत आप बोलते हैं। अरे एगो इधर है, एगो उधर है, एगो इधर, एगो उधर, एगो इधर, एगो उधर, मतलब सर जी ई हुआ 2 डिग्री। कितना डिग्री? 2 डिग्री। सर जी एकर बताइए। अरे ओकरे है जैसन है, ई हुआ 2 डिग्री। कैसे हुआ सर जी? अरे ई दू गो नहीं जुड़ल है, एगो इधर है, एगो इधर। सर जी एकरा बगलों में है। हम बोले थे मोहल्ला में, गांव में, सब में सिर्फ बगल में ध्यान देने का, बगल के बगल में ध्यान नहीं देने का तो घर पे कुचैब बढ़िया से। सर जी मुआ देगी, अरे मुआएंगी बढ़िया से। सर जी ई कैगो से? एगो दू गो तीन गो चार गो, मौज में है बेटा। 4 डिग्री, ई 1 डिग्री, ई 1 डिग्री, ई 1 डिग्री, मतलब कार्बन कई कई डिग्री तो हो सकता है? तो सर जी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, आ सर जी 5 डिग्री होगा तो? तो ई जन्म में नहीं होगा, काहे कि अगला जन्म में आना पड़ेगा। कार्बन 4 गो बंड बनाता है तो 5 डिग्री कहीं से होगा रे? वो भगवान थोड़े है जो 10 गो हाथ होगा। ई कार्बन माना है सर जी? कार्बन माने है, कार्बन तत्व है। अच्छा मान लेते हैं, भोजपुरिया में बहुत अच्छा लगता है, हमको सबसे मीठ बोली लगता है एकदम भोजपुरी में। ए हमर कोरेजा, कितना सुंदर लगता है। अरे मत पूछो, दिल गदगद हो जाता है। सर जी 1 डिग्री को का बोलते हैं, 2 डिग्री को का बोलते हैं, 3 डिग्री को का बोलते हैं, 4 डिग्री को का बोलते हैं? नहीं जानता है तो लिथो। अरे लिथो ने कॉपी में, कॉपी नहीं बनाया है, खाली फिल्म देखता है। देखो 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन। इसको क्या बोलते हैं सर जी? टर्शियरी कार्बन। क्या बोलते हैं? टर्शियरी कार्बन। आहाय देखो, 4 वाले को क्या बोलते हैं रे? क्वार्टरनरी कार्बन। क्या बोलते हैं? क्वार्टरनरी कार्बन। सर जी हम कितना बार बताए हैं, हमारा हिंदी में बताइए, हम गुस्सा जाएंगे। नहीं गुस्साने का नहीं, बाबा पे गुस्साने का नहीं, बाबा पे ध्यान देने का, बाबा को एकदम प्रवचन पूरा फैलाने का, गांव मोहल्ला में हर अल्लाह करने का, एकदम रात में 12 बजे के बाद। अरे आया रे आया, कौन आया? बाबा आया। नहीं सर, कौन आया? KGF मस्त है। प्राइमरी कार्बन को बोलते हैं प्राथमिक कार्बन। क्या बोलते हैं? प्राथमिक कार्बन। इसको बोलते हैं द्वितीयक कार्बन। क्या बोलते हैं? द्वितीयक कार्बन। आ एकरा का बोलते हैं रे? एकरा बोलते हैं तृतीयक कार्बन। क्या बोलते हैं? तृतीयक कार्बन। आ एकरा का बोलते हैं चतुष्क कार्बन। क्या बोलते हैं? चतुष्क कार्बन। सर जी एक बार ना पूरा डिफाइन कीजिए। हाँ देखो हमने क्या बताया, हमने बताया सर जी, हमने बताया सर जी जो क्या, हमने बताया कार्बन की पहचान, मतलब वो बटखारा सब जो पैदा लिया था ना जनवरी फरवरी सब, वो केम्मा है? अरे पहला पैदा लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, ये तो पहचानना ना पड़ेगा। तो सर जी अगर पहला है एगो कार्बन से जुड़ल है तो 1 डिग्री, दूगो से जुड़ल है तो 2 डिग्री, आ 3 गो से जुड़ल है तो 3 डिग्री, आ 4 गो से 4 डिग्री, 5 गो से 5 डिग्री। फिर मोबाइल से निकलेंगे, पूछ देंगे बढ़िया से, का है सर जी? तो कार्बन 5 डिग्री ना ही होता है बचपन से लेके बुढ़ापा तक, नहीं तो बुढ़ापा से लेके बचपन तक याद रखने का और बाबा का प्रवचन सुनने का। क्या कार्बन कभी भी 5 डिग्री नहीं हो सकता है सर जी? क्यों नहीं हो सकता है? बोलो बोलो, बोल के दिखा, काहे नहीं हो सकता है? अरे सर जी 5 डिग्री कैसे होगा? कार्बनमा तो 4 गो बंड बनाता है, काहे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो 4 गो होता है, और उसको अष्टक पूरा करने के लिए ना उसको 4 गो के जरूरत हो, तो वो 4 गो बंड बनाएगा, 4 4 4। अब देखो 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्शियरी, 4 डिग्री को क्वार्टरनरी। है सर जी प्राइमरी को प्राथमिक, सेकेंडरी को द्वितीयक, अय द्वितीय लिखा गया है द्वितीयक होगा, आ टर्शियरी को तृतीयक, क्वार्टरनरी को चतुष्क कार्बन बोलते हैं। तो है जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेके सुंदर अक्षर में, सुंदर हाथ से, सुंदर कॉपी में जल्दी जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट मार लो। नहीं होता है तो हम जल्दी से यह पर क्वेश्चन लेके आते हैं, फटाक से गए सटक से आए।
अरे ली था तो क्या करो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार देखो, वीडियो को पॉज करो, कॉपी में क्वेश्चन उतार कर बना कर देखो। देखो एक बार पॉज करो और इस क्वेश्चन को उतारो जल्दी से, फटाक से सटाक से, जानदार सा मजेदार सा क्वेश्चन है और जल्दी से फटाक से सटाक से उतार लेगा ना, तो फटाक फटाक बना लो। अब मिला, बना लिया है सर जी, इतना जल्दी बनता है तो इसके, अरे वीडियो रोक के बनाओ ने, वीडियो चलते रहेगा तो कैसे बनाएगा सर जी, आपका व्यूज बढ़ेगा। अरे धन्यवाद, बाबा के बारे में सोचा, बहुत तहे दिल से शुक्रिया इस जनाब का जो हमारे बारे में सोचा है सर जी, आप बना के दिखाइए। तो देखो है ब्लैक वाला को रख देते हैं, कॉलम चेंज कर कर के लिखते हैं, एगो लाल एगो ग्रीन, सर जी इंग्लिश हिंदी नहीं, एगो रेड एगो ग्रीन। हाय देखिए, हाय सर जी ई ना एगो से जुड़ल है तो ई वन डिग्री होगा, ई एगो से जुड़ल है तो वन डिग्री होगा, ई एगो से जुड़ल है तो वन डिग्री होगा, ई चार गो से जुड़ल है तो चार डिग्री होगा, ई वन डिग्री, ई थ्री डिग्री, ई थ्री डिग्री, ई वन डिग्री, ई टू डिग्री, ई वन डिग्री। बताओ कितना के सही हुआ, कमेंट में लिखना जल्दी से सर जी, हमार कै गो सही हुआ। अब दोसर का मिलाओ सर जी, ऐसा एकदम कीड़ा मकोड़ा का स्टाइल बना देते हैं ना, हमको अच्छा नहीं लगता है। एकर स्ट्रक्चर बनाओ, देखो कहाँ कहाँ ज्वाइंट है, कहाँ कहाँ पॉइंट है, ज्वाइंट रहे और शुरुआत और अंतिम वाला बिंदु, वहाँ वहाँ कार्बन लिखो, क्वेश्चन वे में लिख दो, एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ। सर जी एकर स्ट्रक्चर बनाइए तो, है देखो ब्लैक वाला उठाते हैं, एगो ऐसे दिख रहा है, एगो ऐसे दिख रहा है, एगो ऐसे दिख रहा है, एगो ऐसे, एगो ऐसे, एगो ऐसे, एगो ऐसे, ऐसा ऐसा ही बना है, बन गया ना। तो है देखो सर जी, ई वन डिग्री, ई थ्री डिग्री, ई टू डिग्री, ई वन डिग्री, ई थ्री डिग्री, ई वन डिग्री, ई वन डिग्री, बोल। अरे बोल दो ना जरा सर जी, मजाक कर रहे हैं, नहीं रे सच में बोल रहे हैं, बोलो क्या तकलीफ है, झंझट है, परेशानी है, उलझन है, क्या है तेरे पास परेशानियाँ? सर जी हमारा पास परेशानी नहीं, परेशानियाँ है। कोई बात नहीं, बाबा के शरण में आया है, एक एक करके दूर होगा, ऑर्गेनिक समझ में नहीं आए ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखो ए में बनाया है, मिला होता है वन डिग्री टू डिग्री फोर डिग्री टू डिग्री वन डिग्री टू डिग्री फोर डिग्री टू डिग्री वन डिग्री वन डिग्री टू डिग्री और वन डिग्री। सर जी डिग्री डिग्री पिग्री पिग्री पढ़ रहे हैं, अरे क्वेश्चन माने बना रहे हैं, आगे जरूरत पड़ेगा ने, टू डिग्री अल्कोहल लेते हैं, थ्री डिग्री अल्कोहल लेते हैं, हुआ का करेगा, हुआ बाबा का प्रवचन काम आएगा, अरे बाबा न है। अब देखो ई सर जी वन डिग्री है, ई टू डिग्री है, ई टू डिग्री है, ई टू डिग्री है, ई वन डिग्री है, सर जी इतना आसान क्वेश्चन पूछते हैं? नहीं बाबा, इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं दे सकता। अब ये बताओ क्या ये वन दोनों वन डिग्री वाला कार्बन सेम है? सर जी तो गजब हो गया, गजब क्वेश्चन पूछ दिए, अरे का पूछे? अरे देखो एगो देखो, ई जो वन डिग्री है ना, एकरा बलग बगल में फिल दी बैलेंस है, कोई नहीं है, इसके बगल में भी कोई नहीं है, मतलब दुनु एगो हाथ कट्टा है, दुनु एगो के ई हाथ कट्टल, एगो के ई हाथ कट्टल, सर जी दुनु के एगो एगो हाथ है, एगो एगो हाथ है ना, तो ई टू डिग्री वाला से जुड़ल है, ई भी टू डिग्री वाला से जुड़ल है, मतलब सर जी ई दुनु जो है ना वन डिग्री वाला, वो सेम टू सेम है, मतलब सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है, सही सर जी? ई में बताओ क्या दोनों सेम है? सर जी देखिए, ई जो टू डिग्री वाला है ना, एक तरफ दो डिग्री से, एक तरफ वन डिग्री से, एक तरफ दो डिग्री से, एक तरफ वन डिग्री से, ई जो टू डिग्री है ना, ई एक तरफ दो डिग्री से, एक तरफ वन डिग्री से, मतलब ई दोनों सेम है, लेकिन ई जो है ना बीच वाला, वो दोनों से टू डिग्री से जुड़ा हुआ है। नहीं समझा रहे, ठीक से ध्यान दो, है देखो वन डिग्री इधर खाली है, इधर भी खाली है, एक के तरफ न जुड़ल है टू डिग्री से, आ इहो एक के तरफ न जुड़ल है टू डिग्री से, मतलब दोनों एगो एगो हाथ कटल है, एगो एगो टू डिग्री से जुड़ल है, मतलब सेम हुआ। सर जी ई तीनों में, तो ई दोनों जो है ना,
एक तरफ 1 डिग्री एक तरफ 2 डिग्री, इहो क्या किया, एक तरफ 1 डिग्री एक तरफ 2 डिग्री। अरे ई हाथ इधर आ जाए चाहे ई हाथ इधर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ई भी क्या हुआ सेम, क्या हो गया सेम, मतलब ई क्या हो गया डिफरेंट है सर जी। ऐसे कैसे लिख दिए डिफरेंट, डिफरेंट नहीं होगा, देखो ना इधरो 2 डिग्री इधरो 2 डिग्री, मतलब इधरो शादी वाला इधरो शादी वाला, तो बताओ सर जी नहीं बोलेंगे हम, गुस्सा हो गए, हमको समझाइबे नहीं करते हैं आप, फिर से देख लो ई दोनों सेम, ई दोनों सेम आ ई अलग, समझ में आया, तकलीफ हो रहा है, झंझट हो रहा है, परेशानी हो रहा है, नहीं ना, तो बाबा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बाबा पे ध्यान दिए रहना, फैलाओ गांव मोहल्ला शहर से लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान तक कि लोग देखें और बताएं, आए हैं कोई बाबा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए वरदान, मतलब बाबा एक आशीर्वाद लेके आए हैं और बाबा आशीर्वाद देंगे तो तुम 12th पास करोगे, 11th में अच्छा नंबर, 12th में अच्छा नंबर, सर जी 11th का एग्जाम ही नहीं देते हैं, एग्जाम होता है बे याद रखना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।